हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का फोर्थ पार्ट। चौथे पार्ट में हम उसके अनुप्रयोग के आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हो। ये तीन क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, बहुत लंबे क्वेश्चन हैं, 15-20 स्टेप्स के आसपास में एक एक क्वेश्चन बनते हैं। इनको करने के बाद आपको एप्लीकेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं जितना भी चार वीडियो में मैं आपको जिस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हैं, डिफ़िकल्ट हैं। इनको करने के बाद आप सामान्य क्वेश्चन तो आसानी से कर ले रहे होगे। वैसे तीन वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एरिया इनक्लोज निकालते हैं। आज जो हम एरिया इनक्लोज निकालेंगे, उसमें त्रिभुज के दो क्वेश्चन करेंगे। एक त्रिभुज पहले से दिया है, उसकी सहायता से घिरा हुआ क्षेत्रफल। दूसरा बिंदुओं का निर्देशांक दिया होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उसके हेल्प पर हम ट्राइंगल बना के एरिया निकालेंगे। और तीसरा क्वेश्चन सर्कल पर बेस्ड होगा। ओके, चलिए तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं और हम फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ट्राइंगल है अपने पास, ट्राइंगल के साइड्स का हम यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन है y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, ये एक भुजा है, ये रिलेशन नंबर सपोज फर्स्ट है। दूसरे भुजा का इक्वेशन है y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, रिलेशन नंबर सेकंड। और तीसरे भुजा का जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू फोर दिया हुआ है। कोई बात नहीं, सीधा x इक्वल टू फोर है, माने y जीरो है। ये x इक्वल टू फोर। ओके, अब देखो इससे जो ट्राइंगल बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमको ग्राफ बनाने से पहले हमको ये समझना है कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है वो हम ट्राइंगल बनाएंगे उसकी किस किस भुजा का है। तो सपोज़ हम स्टार्टिंग से सपोज कर लें कि सपोज़ ये ए बी भुजा का है, ये ए सी भुजा का है और ये सपोज़ बी सी भुजा का है। तो नेचुरली यहाँ पर देखो, आप ए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या है, ए कॉमन है। ठीक है, आपको ये बात पता है कि यहाँ पर ए कॉमन है तो बिंदु ए का निर्देशांक निकलेगा। तो हम ओरल उसको सॉल्व कर देते हैं। देखो, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, पहले दोनों को सॉल्व करोगे तो हमने किया सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे ये दोनों इक्वेशन को, तो ओरल कर देते हैं। देखो ये वाई का इक्वेशन दोनों, तो एक बार लिख दूं क्या, कई लोगों के लिए दिक्कत हो जाता है। तो 3x + 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x + 1, क्योंकि दोनों वाई के इक्वल है। 1 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल टू मिल जाएगा अपने को 2x + 1 3x + 1 ही दिया है ना। ठीक यही दिया है, सही है क्वेश्चन। 1 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। तो x इक्वल टू जीरो मिल गया और देयरफॉर इस x के वैल्यू को हम कहीं पर भी पुट कर दें, मान लो यहाँ पर पुट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। इस तरह से यहाँ पर देखो, देयरफॉर ये बिंदु A का जो निर्देशांक निकलेगा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट A है तो A का कोऑर्डिनेट्स निकल गया 0, 1। ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैं उस बिंदु के निर्देशांक को लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि पहले पॉइंट्स मिलेंगे तभी आप ग्राफ बना पाओगे। तो यहाँ पर A पॉइंट्स का निर्देशांक निकल गया 0, 1। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड और थर्ड को। अगेन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करें। देखो सेकंड और थर्ड को, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे तो x का वैल्यू फाइंड करना है अपने को। तो x का वैल्यू फाइंड करना है तो x का वैल्यू पुट अप करेंगे, उसका वैल्यू कहाँ निकलेगा भाई, ये क्वेश्चन गलत है लगता है मेरे को। x इक्वल टू फोर कैसे होना चाहिए, उसको y इक्वल टू फोर होना चाहिए।
अच्छा ऐसा निकल जाएगा, ठीक है एक्स का वैल्यू डायरेक्ट, ओके ओके ठीक है ठीक है। मैं जबरन कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, एक्स का वैल्यू तो उसने खुद दे दिया एक्स इक्वल टू फोर एंड, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक्स के वैल्यू को हम सीधा क्या करें, सेकंड में पुट अप कर दें, सेकंड में पुट अप करेंगे तो वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, चार तिया बारह, ठीक है। हमको भी वैल्यू निकालना है, ए का निकाल लिए, अब निकालना है सी का, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर दें तो कॉमन क्या है, बी, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो, फर्स्ट को सॉल्व को थर्ड को सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर है, क्यों सुनना मेरी बात ध्यान से, फर्स्ट में आएगा बी और थर्ड में भी आएगा बी, तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे अपन तो हमको बी का कोऑर्डिनेट्स निकलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अल्टरनेट अपन पॉइंट्स को निकालें तो ज़्यादा बेटर है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करो तो एक्स का वैल्यू तो थर्ड में फोर है, यहाँ पर वैल्यू हम पुट करें तो वाई इक्वल टू क्या निकल जाएगा, टू इंटू फोर मतलब एट प्लस वन दैट इक्वल टू नाइन, तो यहाँ पर हमको बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा, देयरफॉर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, जीरो एंड नाइन, ओके। इसके बाद हम सी पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं, किसी को पहले किसी को भी सॉल्व करें कोई फर्क उसे पड़ेगा नहीं। तो अगेन सी का वैल्यू कब निकलेगा, देखो जब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, सेकंड और थर्ड क्यों, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, तो सी का वैल्यू निकलेगा, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड जो अभी कर रहा था मैं, आगे पीछे निकाल सकते हैं लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में हो तो ज़्यादा ठीक रहता है, सबसे पहले ए का निकालिए, बी का निकालिए, फिर सी का निकालिए। तो फर्स्ट और थर्ड से एक्स का वैल्यू तो फोर है, एक्स इक्वल टू फोर है, और वाई का वैल्यू हमको निकालना है, एक्स का वैल्यू के यहाँ पर पुट कर दो, चार तिया बारह एक तेरह, तो कितना हो जाएगा ये, थर्टीन हो जाएगा। इस तरह से सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स निकलेगा, इस तरह से सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स निकलेगा वो निकलेगा फोर एंड थर्टीन। अब इन बिंदुओं को क्या करें, हम ग्राफ में ड्रा करें, ठीक है, इन बिंदुओं को ग्राफ में ड्रा करें, ग्राफ में यहीं पर बनाता हूँ ताकि क्या है आपको पॉइंट्स को उसको समझने में सुविधा हो, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर यदि हम ग्राफ बनाएं तो किस तरह से बनेगा, देखो जीरो वन है, एक पॉइंट तो जीरो वन है, एक्स एक्सिस में जीरो वन, देखो यहाँ पर जीरो पॉइंट आएगा, नेचुरली यहाँ पर जीरो पॉइंट आएगा, जीरो वन, ओके। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या है, ग्राफ क्या है, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन प्रॉपर समझ में आना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट है जीरो नाइन और फोर थ्री, जीरो नाइन फोर थ्री फोर थर्टीन, फोर थ्री और फोर थर्टीन है ना, इस तरह से ग्राफ बनेगा। देखो यहां पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा जीरो वन, ओके, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट हमको मिलेगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या आपने पास, जीरो नाइन, बी पॉइंट्स का वैल्यू, अरे एक्स का वैल्यू जीरो कहां से पुट कर दिया मैं, क्या एक्स का वैल्यू तो फोर दिया हुआ है ना, ये धोखे से लिख लिया, ये तो एक्स का वैल्यू फोर दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फोर नाइन, ये है फोर नाइन, और ये वाला पॉइंट देखो फोर कॉमन पॉइंट है, फोर थर्टीन, ओके।
सी का पॉइंट तो बड़ा होगा, सी पॉइंट को ऊपर जाना चाहिए। ग्राफ पेपर पर ही ड्रा करो तो ठीक रहता है। ये 13 और 9, क्योंकि 13 पॉइंट तो ऊपर जाएगा ग्राफ, ये सी। अब इस फिगर को आप देखो, इस फिगर में जो इनक्लोज एरिया होगा वो क्या होगा, एक्स अक्ष पर दोनों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोनों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये हो जाएगा, देखो ये वाला जो एरिया होगा ये त्रिभुज के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हमारा त्रिभुज ये है ए बी सी, ये हमारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझना, कोई क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ध्यान देना। यहाँ पर सपोज ये पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट है, ओ ए बी सी बी, इस पॉइंट को मैंने डी कह दिया। तो यहाँ पर ये जो शेडेड एरिया मैं निकाला हूँ उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये जो ए सी लाइन है वो पूरे ग्राफ को कितना कवर करेगा, ये पूरा, कहाँ से कहाँ तक, ओ ए सी डी, ये ए सी लाइन कवर करेगा। और ये ओ ए बी लाइन है वो कितना कवर करेगा, ए बी लाइन कवर करेगा ओ ए बी डी। तो ये इस ऊपर वाली लाइन से पूरा कवर एरिया को नीचे वाले लाइन से कवर एरिया से हम माइनस कर देंगे, मतलब ये जो एरिया आप नीचे देख रहे हो इसको, उसको माइनस कर दिया जाए पूरे में, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। ओके, तो ये होगा इसका इनक्लोज एरिया निकालने का फार्मूला। दैट मीन्स यहाँ पर यदि हम इनक्लोज एरिया निकालें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस के लिए है तो जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, फोर तक, तो जीरो टू फोर। और ये जो इक्वेशन है वाई का, किसके लिए, ए सी लाइन के लिए, इसको मैं लिख रहा हूँ वाई ए सी। वाई ए सी मतलब क्या होगा, यहाँ से ए सी लाइन के लिए वाई निकालेंगे अपन, ए सी लाइन का वाई, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे डी एक्स, और माइनस होगा माइनस जीरो टू फोर, ये जीरो टू फोर, ए सी लाइन का तो जीरो टू फोर, ठीक। इसके बाद ए बी लाइन का, इसका भी लोअर लिमिट क्या है, जीरो है, और अपर लिमिट क्या है, फोर। लेकिन वाई कौन सा लाइन है, ये ए बी लाइन है। ये रिलेशन जो मैं लिखा हूँ इसको आप समझो तो ये हमारा इनक्लोज एरिया निकल जाएगा। क्लियर, एक बार इसको ध्यान से देखो, जीरो टू फोर वाई ए सी डी एक्स माइनस जीरो टू फोर वाई ए बी डी एक्स, इतना एरिया हम निकालेंगे तो हमको पूरा इनक्लोज एरिया निकल जाएगा। ओके, एक बार ध्यान देना, ए सी मतलब इस लाइन से कवर एरिया पूरा, और ए बी मतलब इस लाइन से कवर एरिया। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ए सी, इससे पूरा कवर एरिया से ए बी लाइन के कवर एरिया को माइनस करेंगे तो रेड कलर से जो मैंने शेडेड किया है वो लाइन आपको मिल जाएगा। तो ये ग्राफ होगा। तो इस ट्राइंगल वाले क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं ध्यान दो, ऐसा बहुत सा क्वेश्चन है ना, एक नहीं बहुत क्वेश्चन है। पहले तीन आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन देगा, तीनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है, निर्देशांक निकालना है, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद एरिया ट्राइंगल को देखना है आपको। यदि यहाँ पर देखो, मान लो हमको इसको कैलकुलस के मेथड से नहीं बनाना रहता, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के हमारे पास बहुत सारा फार्मूला है। एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई से निकल जाएगा, आधार ये है और ऊंचाई ये है, एक मिनट का काम है। एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, हेरोंस फार्मूला से निकल जाएगा, रूट ऑफ एस एस माइनस एस माइनस। लेकिन यहाँ पर आप देखो बाई इंटीग्रेशन मेथड है, इसलिए हमको मेथड को इंटीग्रेशन मेथड पर जाना पड़ेगा। ओके, बाकी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना इतना डिफिकल्ट वर्क थोड़ी है, एलजेब्रा में तो दो मिनट का काम है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, उसके बाद एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको, आपको क्वेश्चन ऐसा थोड़ी बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस साइड बाई इंटीग्रेशन मेथड, समाकलन विधि से, ये हम उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और ये उसके कठिन है बल्कि, है ना। तो देयर फॉर एरिया अब क्या हो जाएगा, देखो देयर फॉर एरिया इक्वल टू, इसका वैल्यू हमने वैल्यू पुट कर देंगे 0 टू 4 वाई ए सी। तो ए सी का इक्वेशन क्या है अपने पास, 3x plus 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4, क्या है ये ए सी के बाद ए बी यूज कर रहे हैं ना अपन, 2x plus 1, ये हो जाएगा 2x plus 1 डी एक्स। बस अब इसका इंटीग्रेशन करो, एरिया निकल जाएगा। इंटीग्रेशन करें 3x का हो जाएगा 3x² / 2 और प्लस इसका ये
जीरो टू फोर माइनस, इधर का काम तो आसान है, टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स जीरो टू फोर दैट इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये हो गया थ्री अपॉन टू, अपर लिमिट को रखेंगे तो फोर, चार चौक सोलह हो जाएगा, लोअर लिमिट तो रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये प्लस फोर इसके जगह में, और माइनस यहाँ पर ये टू टू तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये चार चौक सोलह प्लस, ठीक है, ये फोर माइनस लोअर लिमिट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो है, दैट इक्वल कितना हो जाएगा, टू एट जा आठ, आठ या चौबीस तो हो गया ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट हो जाएगा, और माइनस इसको देखो ये हो गया ट्वेंटी, ओके दैट इक्वल एट स्क्वेयर यूनिट, एट स्क्वेयर यूनिट इट्स आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा, कितना आया एट स्क्वेयर यूनिट, ओके ये है, तो आसान काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद है ट्राइंगल का एरिया निकालना। देखो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसको हम ऐसी ओरल निकाल सकते हैं बेस इनटू हाइट से, कैसे देखो यहाँ से यहाँ तक बेस वन अपॉइन टू, ये बेस है इसका, तो बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है फोर, ये फोर है, और इनटू हाइट तो इसका इस ट्राइंगल का हाइट ना, ट्राइंगल का हाइट यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट निकालेंगे अपन, तो हाइट कितना है ये 13 यहाँ तक और 9 यहाँ तक, तो 13 में से 9 माइनस करोगे तो 8, ठीक है 13 में 9 माइनस करो 4, 13 में 9 माइनस करना है, कितना आएगा 4, तो 1/2 बेस इनटू हाइट 4, 2 जा 4 दूनी 8, देखो ओरल निकल गया, मैं आपको बोला था ना 1/2 बेस इनटू हाइट से ऐसे आप चेक कर सकते हो, लेकिन अभी तो आपको इंटीग्रेशन मेथड से निकालना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तो एलजेब्रिक के मेथड से या फिर ज्योमेट्री के मेथड से बहुत आसान है वो, लेकिन कैलकुलस के मेथड से इस बात को आपको समझना है, ओके। तो यह हुआ ट्राइंगल वाला ये क्वेश्चन, अब मैं ट्राइंगल्स वाला दूसरा टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें आपको इक्वेशन नहीं दिया रहेगा बल्कि इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब इन बिंदुओं का आपको निर्देशांक दिया रहेगा, और बिंदुओं का निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स दिया रहेगा, उसके बेस पर आप पहले इक्वेशन ऑफ द साइड्स निकालोगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो पैटर्न उसका जस्ट अपोजिट, इसीलिए मैंने क्वेश्चन का कलेक्शन भी उसी ढंग का लिया है कि जैसा क्वेश्चन बताऊँ उसका फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन साथ में बताऊँ, ओके। चलिए फिर ये हमारा क्वेश्चन हो गया, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टाइसेस ऑफ एनी ट्राइंगल, वर्टाइसेस मतलब क्या होता है शीर्ष ना, ट्राइंगल आर, ये हमको क्वेश्चन में दिया है कि उसके वर्टाइसेस क्या क्या है, ठीक है, और उसके बेस पर हमको क्वेश्चन को बनाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसका वर्टाइसेस दिया ए माइनस वन जीरो, ए इज माइनस वन जीरो, बी इज वन थ्री एंड सी इज 3-2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं ना, आपको मालूम है, एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कर लो तो फिर तो आप पूरे तैयार हो गए, ये क्या है स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट देख रहा होगा, देखो मेरा मैथ्स का क्लास हिंदी वाला भी देख सकता है, इंग्लिश भी बदल दे सकता है, बाइलिंगुअल में पढ़ाता हूँ, सीजी बोर्ड वाला भी दे सकता है, एमपी बोर्ड वाला, यूपी बोर्ड, राजस्थान, इंडिया में जितने बोर्ड हैं रीजनल वो दे सकते हैं, इंक्लूडिंग सीबीएसई बोर्ड आल्सो, क्लियर, तो वो भी देख सकते हैं क्योंकि सबको उसी तरह से क्वेश्चन करता हूँ मैं, तो ए बी सी ये थ्री क्या है ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, अब हमको क्या करना पड़ेगा इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो इक्वेशन दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का हमको इक्वेशन निकालना आता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, उसके बेस पर हम क्या करेंगे इसका इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन निकाल के फिर उसको आपस में सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहला काम तो इसमें हम ग्राफ ही बना लें, क्योंकि वर्टाइसेस दिया हुआ है तो वर्टाइसेस के बेस पर यदि हम ग्राफ बना लें तो ग्राफ के बेस पर हमको उसको वर्क करने में आसान होगा, उल्टा काम करें, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने निर्देशांक निकाल के ग्राफ बनाया, क्यों बात को समझना, जब हमारे पास पॉइंट्स नहीं रहेंगे तो ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे, इसलिए पहले हम इक्वेशन को सॉल्व किए और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमने ग्राफ ड्रा किया, लेकिन इस क्वेश्चन में पॉइंट्स पहले से दिया हुआ है
तो पहले हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा ईजी होगा, फिर उसके आधार पर हम उनके सभी भुजाओं के इक्वेशन निकालेंगे। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लें, इसके साइड्स पहले ग्राफ ड्रा करें। तो ग्राफ, ये ग्राफ ही मेन है प्रॉपर ना, ग्राफ को ही आपको सबसे पहले समझना है। तो -1 0 पॉइंट्स को आपको पहले लेना है। -1 तो इधर आएगा, ठीक है, और 0 ये लाइन होगा, तो -1 0 यहाँ पर आएगा। ये हमने ले लिया -1 0। ओके, इसके बाद क्या है, 1 3, ये पॉइंट तो 1 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 2 पॉइंट को अपने को लेना है, तो 3 आगे आएगा, और यहाँ तक तो 1 आया है, तो ये आगे आएगा, तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं यहाँ तक इस तरह से। ओके, और ये तीनों पॉइंट को हम मिला दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल मिल जाएगा। ये इस तरह से मिलेगा हमको ट्राइंगल। ओके, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं अपन। ये ओरिजिन है 0, इसके बाद -1 0, ये होगा -1 0, एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, ये वाला पॉइंट इधर 1 इधर 3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 और 2। ठीक है, नाम लिख दें पॉइंट के, ए बी और ये सी। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा तीनों साइड, अब हमको एरिया किसका निकालना ही है। अब आप समझ गए, फिगर से जो ट्राइंगल बनेगा उसी का एरिया निकालना हमारा काम है, इसका हम एरिया निकालेंगे, ये इनक्लोज एरिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, तीनों साइड्स के इक्वेशन निकाल लें। ठीक है, तीनों साइड्स की इक्वेशन निकाल लेंगे, क्योंकि बिना इक्वेशन के हम एरिया कैसे निकालेंगे, वाई का हमको वैल्यू तो चाहिए ना, तो बिना इक्वेशन के हम निकाल नहीं सकते एरिया, इसलिए सबसे पहले हमको इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन आप ए बी, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो इक्वेशन निकालने का फार्मूला याद है आप लोग को 11th क्लास से, ये होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फार्मूला है, ये जो मैं लिखा वह क्या है, फार्मूला है, आपको याद होगा 11th क्लास में सरल रेखा का समीकरण का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सब याद है आप लोग को, 11th क्लास से पढ़ा है। अब हम इसमें निकालें इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी का इक्वेशन निकालेंगे, क्या निकल जाएगा देखो, देयर फॉर वाई माइनस वाई वन, ये एक्स वन वाई वन है, तो कितना है ये 0 इक्वल टू वाई टू, वाई टू क्या होगा 3 और माइनस 0, तो हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन एक्स टू, एक्स टू क्या है 1 और माइनस माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन क्या है माइनस 1, तो हो जाएगा प्लस 1। ओके, दैट इम्प्लाइज, आगे इसको सॉल्व करो, इधर 2 ट्रांसफर हो जाएगा, 2y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3x प्लस 3, इसको इसी फॉर्म में रहने दो या y के फॉर्म में अपन कर लें, तो सीधा क्योंकि y के लिए हमको सॉल्व करना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3y2x प्लस 3y2, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। ये हो जाएगा y का इक्वेशन, पहला इक्वेशन, ठीक है, 3y2x प्लस 3y2, क्लियर। तो ये हम इक्वेशन निकाल लिए ए बी का, अब y के फॉर्म में हमको एक इक्वेशन मिल गया, इसी तरह से अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ बी सी, यही निकाल दूं, इक्वेशन ऑफ बी सी। अब फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूं ना मैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर रहा हूं उसमें, y माइनस वाई वन, ये देखो x1 y1, तो y1 क्या है 3, y माइनस 3 इक्वल y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 और x माइनस x1 क्या है 1। ये वैल्यू को आप पुट अप कर दोगे, दैट इम्प्लाइज, यहाँ से हम सॉल्व करें, यहाँ 2 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको,
2y माइनस 6 इक्वल यहाँ पर आएगा माइनस 1, इसके साथ कर दें तो माइनस एक्स और ये प्लस 1। अब इसको उधर ट्रांसफ़र कर दें, एक बार तो लिखना पड़ेगा अपने को, 2y माइनस 6 इक्वल, 2y माइनस 6 इक्वल, प्रीवियस पेज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 दैट इम्प्लाइज ये इधर ट्रांसफ़र करो तो 2y इक्वल टू माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस, आके इसके साथ ऐड हो जाएगा 7, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 1 बाई 2x प्लस 7 बाई 2, दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड। ओके, ये हो गया किसका इक्वेशन, BC का इक्वेशन। अब इक्वेशन ऑफ AC, अगेन इक्वेशन ऑफ AC, बार बार फिगर को देखना पड़ेगा पीछे जाके, y माइनस वाई वन, AC की बात हो रही है ना, या CA जैसा भी कर सकते हैं, AC निकाल लो जो भी है, CA भी निकाल सकते हैं, AC निकालें CA निकालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AC करेंगे तो यहाँ पर x1 y1 ये होगा x1 y1, तो y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, वो जीरो, y माइनस जीरो इक्वल टू y2, y2 टू माइनस जीरो टू अपान x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इंटू x माइनस x1, इसको x1 लिए हैं ये माइनस 1 है तो हो जाएगा x प्लस 1, दैट इम्प्लाइज y इक्वल, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, ये उधर ही रहने दो, इधर लाने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमको इसको अकेले y तो लिखना ही है, तो y इक्वल टू ये 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 दैट मीन्स 1 अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, रिलेशन नंबर थर्ड। ये तीन इक्वेशन हमको मिल जाएंगे, ठीक है, तीनों इक्वेशन जो मिल गए, ये लास्ट इक्वेशन मिल गया अपने को x अपॉइंट 2 प्लस 1 अपॉइंट 2, रिलेशन नंबर 3, और दो रिलेशन हमको पीछे मिला है, एक रिलेशन वहाँ से देखो, एक बार इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है हमारा एक इक्वेशन AB का AC, हाँ उसके बाद ये इक्वेशन निकला है और तीसरा इक्वेशन निकला ही है। अब ग्राफ को ध्यान से समझना, और मैं यहाँ पर एरिया का फार्मूला लिख रहा हूँ ना, देयरफॉर एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये यहाँ से यहाँ तक माने ए बी ग्राफ जितना एरिया कवर करता है एक्स एक्सिस में, माइनस वन से वन होगा, लिमिट को आप देखते जाना, माइनस वन से वन कवर करेगा, उसके बाद वन से थ्री कौन कवर करेगा, बी सी, वन से थ्री बी सी कवर करेगा, और थ्री से माइनस वन कौन कवर करेगा, सी ए, या ए सी कहें तो माइनस वन से थ्री कवर करेगा, एक ही मतलब है, लिमिट को आप बाद में चेंज कर सकते हो, साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। तो तीनों का जो इनक्लोज एरिया है, तीनों आपस में जितना क्षेत्रफल घेरते हैं वही क्या होगा, उनका टोटल इनक्लोज एरिया होता है, इस तरह से ट्राइंगल निकाल के इसमें बनाते हैं। तो ग्राफ में आप देखना, इनक्लोज एरिया को मैं ध्यान से लिख रहा हूँ, यहाँ पर माइनस वन से वन वाई ए बी लिखूंगा उसको मैं, ठीक है, माइनस वन टू वन वाई किस लाइन का, ए बी लाइन का, प्लस वन टू थ्री एक्स कोऑर्डिनेट्स लाइन किसका, बी सी का, वन टू थ्री वाई इक्वेशन ऑफ बी सी, प्लस थ्री टू माइनस वन ए सी, थ्री टू माइनस वन वाई ए सी या सी ए, ये होगा। तो तीनों का इनक्लोज एरिया आपस में सम हो जाएगा, दैट इक्वल, अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो माइनस वन टू वन, हमको इसका वैल्यू पता है यहाँ से क्या वाई, थ्री बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू ये होगा, ये सब वाई डी एक्स है ना, ये डी एक्स लिखना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पर डी एक्स इंटीग्रेशन हो रहा है, तो प्लस वन टू थ्री वाई बी सी, बी सी यहीं पर है, ये वाई बी सी का है, माइनस वन बाई टू एक्स प्लस सेवन बाई टू, माइनस वन बाई टू एक्स, इसमें ना केयरफुली वर्क करना सबसे इम्पॉर्टेंट, इसलिए आराम से लिखता हूँ उसको मैं, क्योंकि कहीं एक बार मिस्टेक हुआ तो फिर वो पूरा गड़बड़ है। इसके बाद
आपको मालूम होगा निश्चित समाकलन का प्रगुण a टू b को b टू a कर दूं मैं, क्योंकि जनरली हम लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं तो वहां पर क्या होता है, सामने माइनस मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस कर दिया और लिमिट हो जाएगा माइनस वन टू थ्री, थ्री टू वन माइनस वन टू थ्री हो जाएगा। और ए सी का इक्वेशन क्या है देखो, एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू, एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू डी एक्स। अब इतना आपको इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन से जो आएगा उसको सम करना है। चलिए तो इंटीग्रेशन करते हैं अपन इसको। अब ध्यान से इंटीग्रेशन को समझना, इंटीग्रेशन का साइन हटाया और 3 बाई टू एक्स, तो हो जाएगा 3 बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, 3 बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन टू एक्स माइनस वन टू वन प्लस, बाकी लेंथी वर्क है आगे, माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इसका और प्लस सेवन अपॉन टू एक्स वन टू थ्री और माइनस ये होगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन बाई टू एक्स और माइनस वन टू थ्री। अब इसके पूरे के वैल्यूस आपको पुटअप करना पड़ेगा, बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है और अभी अगला पेज आ गया। एक काम करता हूँ, यहाँ पर पेज में स्लाइड करके आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा ठीक है, क्योंकि बार बार पेज पलटूंगा दिक्कत होगा। तो चलिए इसको मैं साइड में करके आपको बता देता हूँ। ताकि आपके बगल में रहे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम मत हो। कई तरीके से आप समझ कर यूज़ कर सकते हो, बाद में उसको मैं कॉम्पैक्ट भी कर दूँगा। दैट इक्वल लेंदी है ना बहुत ये। अब अपर लिमिट को ध्यान देना, अपर लिमिट वन रखते जा रहा हूँ मैं, तो वन सब वन वन हो जाएगा, तो थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई टू, ध्यान रखना थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई टू, थ्री बाई फोर प्लस, आगे के काम में कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आपको सावधानी से वर्क करना है बस। माइनस लोअर लिमिट रखोगे और माइनस रखोगे तो ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस वन रखाएगा तो प्लस हो जाएगा ठीक है, लेकिन वो माइनस माइनस कर देगा तो माइनस थ्री बाई फोर, देखो बहुत से वैल्यूज कट भी जाएंगे, माइनस थ्री बाई फोर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस थ्री बाई टू होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस थ्री बाई टू होगा, ये हो जाएगा प्लस थ्री बाई टू, ये पहला हुआ, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं दूसरा। इसके बाद देखो इसका थ्री रखोगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन अपॉन फोर माइनस नाइन अपॉन फोर, और प्लस जब यहाँ रखोगे थ्री का वैल्यू तो सेवन थ्री जा सात या इक्कीस बटे दो, ये हो जाएगा इक्कीस बटे दो। जब वन लिमिट रखोगे यहाँ पर तो वन रखने से माइनस वन बाई फोर माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट तो, और माइनस सेवन बाई टू, ये हो जाएगा माइनस सेवन बाई टू माइनस। अब तीसरा वाला देखो, ये थ्री रखेंगे तो नाइन अपॉन फोर, नाइन अपॉन फोर हो जाएगा ये, और प्लस थ्री अपॉन टू, प्लस थ्री अपॉन टू, लोअर लिमिट में माइनस वन रखाएगा तो माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन बाई फोर, ये हो गया प्लस वन बाई फोर। यहाँ पर आप रखोगे तो माइनस आएगा लोअर लिमिट में, और ये माइनस, एक मिनट, वन बाई फोर तो माइनस आना चाहिए ना, क्योंकि माइनस तो प्लस कर देगा, माइनस वन बाई फोर आएगा, ये चिन्ह को बहुत ध्यान से रखना है भाई, माइनस आएगा ये, माइनस क्यों आएगा एक बार ध्यान से समझ लो, माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस लोअर लिमिट का माइनस तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये तो माइनस वन बाई टू और माइनस वाला प्लस, तो ये प्लस होगा, प्लस वन बाई टू होगा, प्लस वन बाई टू, ये वैल्यू रखा गया। दैट इक्वल, अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, डायरेक्ट उसको कैंसिल आउट करा देते हैं, जैसे यहाँ पर थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कहीं पर, और कहीं नहीं हो रहा है। चलो अब इसको रेड इंक से लिख रहा हूँ मैं, थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा सिक्स बाई टू, तीन तीन छः सिक्स बाई टू, तो सिक्स बाई टू मतलब कितना हो गया थ्री, ओके। अब डायरेक्ट ठीक कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर, अब आगे ध्यान देना, माइनस नाइन बाई फोर और वन बाई फोर, तो माइनस नाइन बाई फोर से वन बाई फोर माइनस होगा, वन से माइनस तो वेट होगा एट बाई फोर, मतलब माइनस टू, ये हो गया माइनस टू, ओके। ट्वेंटी वन बाई टू और माइनस सेवन बाई टू,
माइनस होगा सीधा उससे, ठीक है, माइनस होगा तो 1 माइनस हुआ तो 20 है, 6 माइनस हुआ तो 14 अपॉन 2 मतलब 7, और प्लस में आएगा तो हो गया प्लस 7, ओके। अब ये होगा 9/4 माइनस 1/4, तो 9 में से 1 माइनस होगा तो 8/4 तो 2, और वो भी प्लस लेकिन यहाँ से माइनस, माइनस 2, 3/2 प्लस 1/2 4/2, 4/2 मतलब 2 और ये माइनस, माइनस 2, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। ये 7 3 10 हो गया और माइनस 6 इक्वल टू 4, बस इतना ही आया 4 स्क्वायर यूनिट, कितना आंसर आता है इसका, 4 स्क्वायर यूनिट सही आंसर है। मुझे तो डर बने रहता है कि कहीं पर प्लस माइनस का गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि इतना प्लस माइनस खास करें लोअर अपर ले, आप लोग उसको सावधानी से करना, हमको तो क्या है समझाना होता थोड़ा हड़बड़ी में भी कर देते हैं, लेकिन आपको उसको बहुत केयरफुली वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इंटीग्रेशन के बाद, इस लाइन के बाद आपको सारा वर्क ओनली केयरफुली करना है, सावधानी से करना है, बहुत स्वाभाविक रूप से कहीं पर भी प्लस का माइनस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इसलिए बहुत ही केयर, हो सके तो एक बार रीचेक कर लेना आप जब एग्ज़ाम में आए, तो फाइनल आंसर आने से पहले आप उसको एक बार जरूरी चेक करें, तो आप यहाँ पर, यहाँ से हमारे सामने आंसर है कि आंसर कितना आया, वहाँ आपके पास आंसर नहीं होता, इसलिए आप क्या है उसको रीचेक जरूर करना इस तरह के प्रॉब्लम में, ओके। तो ये हमारा हुआ दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। ये है, सबसे पहले हमने उसका इक्वेशन निकाला, इक्वेशन निकालने के बाद हमने उसको इधर साइड में, और है ना इसका सॉल्यूशन, उसको मैं एक साथ कर देता हूँ, वैसे आप नोट्स बनाते हुए चलो तभी ठीक रहेगा ना, ये वाला पेज को मैं कंबाइन कर दूं फाइनली, ओके, इस तरह से दिखेगा इतना, तो इसके पहले वाले पेज में, फिर ये लास्ट पेज है आपका, इस तरह से आप क्या है इसको सॉल्व कर लेना, 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन है, समझ लो बहुत से एग्जाम में आया हुआ है, डिफिकल्ट भी कह सकते हो उस क्वेश्चन को आप। ये है दो सर्कल का इनक्लोज एरिया फाइंड करना। दो सर्कल है अपने पास पहले से, इक्वेशन ऑफ सर्कल, दो वृत्त हैं और दो वृत्त आपस में कितना एरिया इनक्लोज करते हैं ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन है हमारे पास, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, और दूसरा सर्कल है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस। ये आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड राइटर का बुक होगा तो यह क्वेश्चन जरूर होगा, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आप उस तरह के सारे क्वेश्चन बना लोगे जिसमें सर्कल से रिलेटेड इनक्लोज एरिया निकालना होता है, सर्कल वाले सब क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे इसे। अब यहाँ पर आप दोनों को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, आपने 11 का वृत्त का समीकरण पढ़ा है, ये एक ऐसा वृत्त का समीकरण है जिसका जो केंद्र है, जिसका सेंटर है, वो ओरिजिन है, मूल बिंदु है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर उस सर्कल का इक्वेशन होता है जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है। और यहाँ पर देखो इसका सेंटर 1 0 होगा, ये 1 0 होगा, और इसका भी रेडियस 1 है, इसका भी रेडियस 1 है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला होता है ए स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद फिगर बनाएंगे अपन। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करें, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेट्स नहीं निकलेगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करने का इसमें तरीका हमारा क्या होगा, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से ये हो गया x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ये जो y स्क्वायर का वैल्यू है उसको यहाँ से पुट अप कर देते हैं, तो y स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज इसको सॉल्व करें तो इसका स्पान कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये प्लस 1 इस प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो ये 1 1 साथ कट गया, एक्स स्क्वायर के साथ में कट जाएगा, तो
तो यहां से x इक्वल टू क्या निकल जाएगा अपने को, 1/2। देयरफॉर x इक्वल टू 1/2, ये x का वैल्यू हुआ। और इसके लिए हम सिमिलर क्या है y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, पहले में यदि हम x का वैल्यू को पुट अप कर दें तो हो जाएगा 1/4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1/4, दैट मीन्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 3/4। देयरफॉर y निकालेंगे तो प्लस माइनस √3/2, ये पॉइंट हमको मिलेगा y इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। तो हमको उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला दोनों सर्कल का, वो दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 1/2 और -3/2। अब इसके बेस पर यदि हम इसका फिगर ड्रा करें तो फिगर को ध्यान से समझना आप। यहाँ पर देखो, एक सर्कल ऐसा होगा और दूसरा सर्कल इस तरह से होगा। दोनों सर्कल, दोनों का रेडियस इक्वल है। यहाँ पर थोड़ा छोटा बड़ा आपको दिखेगा तो उससे परेशान मत होना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर ड्रा करने में भी दिक्कत होता है। अब एक का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0 है। तो एक का कोऑर्डिनेट 0, 0 है। सपोज इसका जो एक्सिस है 0, 0 से जाएगा, ये 0, 0 से एक एक्सिस जा रहा है और दूसरा एक्सिस ये है, क्योंकि इस एक्सिस का जो सेंटर है वो 0, 0 है, लेकिन दूसरा सर्किल उसको टच किया हुआ रहेगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया, बता रहा हूँ ना, ये फिगर सेंटर तक जाए, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं, चलो ठीक है, लगभग इक्वल साइज़ का सपोज तो है ना। अब पूरा राउंडर से बनाता तो वो तो इक्वल आता, ठीक है। तो दोनों की इक्वल साइज़ का सपोज कर लेना आप। अब यहाँ पर इसका एक्सिस ड्रा कर रहा हूँ मैं, ये इसका, इसको ये टच करेगा, तो ये पॉइंट को अपने को ध्यान रखना। ये इसका सेंटर है और दूसरा ये इसका एक्सिस। तो पहला सर्कल का, ये वाला जो सर्कल का इक्वेशन है, इसका सेंटर है ये, इसका सेंटर है ये, ये सेंटर होगा क्या, 0, 0। यहाँ से ये वाला पोर्शन आप देखो, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है हमारा, वो है 1/2 और प्लस √3/2। तो ये होगा 1/2 प्लस √3/2। फिगर समझ, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है अपने को। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 1/2 माइनस √3/2। और ये वाला पॉइंट होगा वो देखो 1/2, इसका रेडियस तो 1 है, तो 0, 1/2 होगा, 0, 1/2 होगा, एक्स एक्सिस पर है, तो ये होगा 0 और 1/2, ये ध्यान में रखना। और कंप्लीट ये इसका रेडियस है। और जो इनक्लोज एरिया आपको निकालना है, यहाँ पर जो इनक्लोज एरिया निकालना है वो एरिया होगा ये पूरा, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को घेर रहे हैं, ये इनक्लोज एरिया हमको निकालना है। अब इसका मेथड क्या होगा, मेथड को मैं ही फिगर में समझा दूँ, उसके फिर आगे हम बात करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है आप जो देख रहे हो, ये पोर्शन मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, हम इस पोर्शन का एरिया सबसे पहले निकाल लेंगे, क्लियर, और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आगे का एरिया निकल जाएगा। तो ये वाला जो सर्कल है वो इधर से एरिया इनक्लोज कर रहा है और ये वाला सर्कल इधर से एरिया इनक्लोज कर रहा है और दोनों मिलके एरिया कवर कर रहे हैं। तो एक ये वाला इक्वेशन होगा और ये दूसरा इक्वेशन होगा और दोनों के अकॉर्डिंग हमको एरिया ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट है ध्यान से समझना। तो y1 - y2 करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस को ये सर्कल जितना कवर कर रहा है उसमें इसी को ये जितना एरिया कवर कर रहा है उसमें से माइनस कर दें तो हमको इनक्लोज एरिया मिल जाएगा और सामने 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम 0 से ½ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ये वाला एरिया हमको मिलेगा। ओके,
तो ये होगा इसका फिगर, फिगर को ध्यान से समझना। इसके बाद एरिया का मैं फार्मूला अगले पेज में लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो। फिर एक बार मैं उसको रिपीट कर दूंगा कि कैसे मैंने एरिया को निकाला है। तो एरिया इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ध्यान रखना y1, ठीक है। y1 अपन बड़ा वाला इक्वेशन को ले लेते हैं, तो 0 टू हाफ इसका लिमिट होगा। और उसका इक्वेशन क्या है देखो, ये x माइनस वन का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो सीधा वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल के मैं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन का टोटल रूट dx, ये होगा देखो 1 माइनस इसका रूट। और इसके बाद जो दूसरा एरिया हम निकाल रहे हैं, पहले हम इसका एरिया निकाल, इसमें भी क्या करेंगे, दूसरे एरिया को अपन ऐड करेंगे जो उसको उधर से घेर रहा है। तो प्लस, यहाँ पर फिगर एक बार समझना कि ये हुआ 0 से 1, माने ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया, इसलिए हमने इस इक्वेशन को लिया है। अब ये वाला एरिया, ये वाला इक्वेशन को लेंगे अपन, तो इसके साथ में प्लस ऐड होगा, 2 को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट हाफ से 1 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा हाफ से 1, 1/2 से 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 और 1/2 से 1। एक बार फिगर के अलग अलग पेज में हो गया, हो सकता है आप लोग को परेशानी हो रहा होगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है जब हम लेंगे, तो यहाँ से 0 से हाफ लेंगे, और जब ये वाला को लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हाफ टू 1, ये क्या है 1/2 1 है, क्लियर, 0 1 है ये, तो वहाँ से वहाँ तक लेंगे। ये है 1 0, तो 1/2 2 1 लेंगे, 1/2 2 1, और इक्वेशन हमारा हो जाएगा ये √1 − x² √1 − x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है, तो यहाँ पर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको I1 और इसको I2 लेके इंटीग्रेट कर रहा हूँ अलग अलग। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को पुट अप करेंगे अपन, तो y1 इक्वल टू, ठीक है, y1 लेके अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, और 2 को अपन कोफिशियंट के फॉर्म में लिख लें, तो 2i1 2i2 लिख देते हैं इसको रिलेशन नंबर फर्स्ट, तो मैं सिर्फ i1 ले रहा हूँ। तो i1 क्या हो जाएगा, 0 टू 1/2 √1 − x² − 1 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर dx। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के कई तरीके हैं, यहाँ पर इसको एक्सपांड करके भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इसका इंटीग्रेशन ले रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं x − 1 = sin θ हमने साइन थीटा ले लिया, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos θ d θ, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर देखो अब वैल्यू को पुट अप करो, देयरफॉर i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब लिमिट भी पुट होगा, लिमिट भी चेंज होगा यहाँ से, वहाँ पर मैं पहले लिमिट को चेंज कर देता हूँ पहले। If x equal to 0, देन यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर 0 रखा तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 आया, इस x इक्वल टू 0 तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1, तो थीटा इक्वल टू −π/2 हो जाएगा, ठीक है, θ = −π/2। यहाँ से देखो आप लिमिट पुट करना है, सब आप बहुत किए हो पहले, 1/2 पुट करूँ यहाँ पर मैं, x = 1/2 तो −1/2 आएगा, ठीक है, तो −1/2 में −π/6 हो जाएगा, x = 1/2 तो θ = −π/6, 30 डिग्री आता है, लेकिन 30 डिग्री में फिर यहाँ पर निगेटिव है, तो −π/6 हो जाएगा। तो देयरफॉर अब हमारा इंटीग्रेशन i1 इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट अब चेंज कर दो, ये −π/2 से −π/6, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस, इतने को हमने लिया। इसका इंटीग्रेशन बहुत कठिन है, इसको दूसरे तरीके से करूँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो साइन थीटा इसको हमने पुट किया है, x माइनस वन का वैल्यू साइन थीटा पुट किया है, x − 1 का होल स्क्वायर है क्या, अरे x² लिख डाला हूँ धोखे से यहाँ पर मैं,
इसको सुधार लेना, एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं होगा, एक्स माइनस वन होगा। तो एक्स माइनस वन को साइन थीटा लिया है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू डी एक्स का वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा किसका वैल्यू, यह डी एक्स का वैल्यू, दैट इक्वल, एक बार इसको सॉल्व कर लें, माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई सिक्स, वन माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, नेक्स्ट, देयर फॉर आई वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई सिक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू और इनटू डी थीटा, दैट इक्वल वन अपॉन टू, बाहर करो और इसका इंटीग्रेशन करो तो वन का थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टू थीटा अपॉन टू, लिमिट हो जाएगा माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई सिक्स, दैट इक्वल वन अपॉइंट टू। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा, सबसे इसीलिए मैंने इसको सिलेक्शन किया है, परेशान मत होना इसे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स प्लस ये वन अपॉइंट टू, तो वन अपॉइंट टू ही रहेगा। अब देखो साइन टू माइनस पाई बाई सिक्स, तो साइन टू माइनस पाई बाई सिक्स लोगे तो उसका कितना हो जाएगा वैल्यू, उसका थीटा का अलग वैल्यू पुट अप कर देना था, दोनों में दोनों का अलग वैल्यू पुट अप कर देना था, ज़्यादा बेहतर होता। वन अपॉन फोर, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ और देखो, अलग अलग कर दें इसको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हो जाएगा वन अपॉन टू और ये थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ माइनस पाई बाई टू टू माइनस, कभी भी क्वेश्चन लेंदी हो तो उसको अलग अलग करके कर दो, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वन अपॉन फोर हो जाएगा, ये टू के साथ मल्टीप्लाई होके, और ये हो जाएगा साइन टू थीटा माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई सिक्स। कई लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि इतना लेंदी क्वेश्चन आएगा क्या सर करके, आता है, खासकर यदि आप सीबीएसई की स्टूडेंट हो या किसी बोर्ड में थोड़ा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परेशान मत होना कि इतना लेंदी कैसे आता, आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका लिमिट को रखो, दैट इक्वल वन अपॉन टू अपर लिमिट माइनस पाई बाई सिक्स माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई टू, क्लियर, प्लस वन बाई फोर। अब यहाँ पर देखो साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा में आप ध्यान में रखना, जब इसका हम लिमिट पुट अप करेंगे तो वहाँ पर कोण के साथ उसके वैल्यू को पुट अप करते जाएंगे, तो यहाँ पर टू टू यहाँ पर रखोगे तो माइनस पाई बाई थ्री होगा, तो साइन माइनस पाई बाई थ्री माइनस साइन थीटा होता है, माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई थ्री, क्लियर। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट को रखोगे आप, तो माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई, तो प्लस साइन पाई, ये प्लस साइन पाई हो जाएगा, दैट इक्वल टू वन अपॉन टू। दोनों को सॉल्व करो, माइनस पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई सिक्स पाई बाई टू को सॉल्व करेंगे सिक्स एलसीएम आएगा, तो टू पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ये टू पाई बाई सिक्स प्लस वन बाई फोर माइनस पाई बाई थ्री, थ्री मतलब कितना डिग्री, सिक्सटी डिग्री, तो माइनस रूट थ्री बाई, ठीक है, माइनस रूट थ्री बाई टू, माइनस रूट थ्री बाई टू, और ये तो हो गया जीरो, साइन वन एट्टी जीरो, उसको जीरो लिख देंगे, दैट इक्वल यहाँ पर टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई बाई सिक्स होगा और माइनस यहाँ पर एट, तो माइनस रूट थ्री बाई एट, ये हो गया आपका आई वन का वैल्यू, ये आई वन का वैल्यू है, इसको रिलेशन फर्स्ट दे दो, फर्स्ट तो दिए हैं शायद ना अपन, इसको रिलेशन फर्स्ट इसको दिए हैं, इसको दे देते हैं रिलेशन नंबर सेकंड, पाई बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई एट,
ये आई वन का वैल्यू हो गया। अब हम निकालते हैं आई टू, देख लें आई टू क्या है हमारा। आई टू सरल है थोड़ा, आई टू है 1/2 to 1 रूट ऑफ 1 - x². अगेन आई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, अच्छा इसका ठीक है 1/2 to 1 रूट ऑफ 1 - x² dx, रूट ऑफ 1 - x² dx। यहाँ पर भी पुट करो 1 - x² को या खाली x को 1 - x, ओनली x को भी सपोज कर सकते हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम केवल x को सपोज कर लेते हैं साइन थीटा। ऐसा इंटीग्रेशन तो बहुत किया हो, नई बात नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर समापन हो रहा है इसका, और समापन के लिए मैं ऐसा क्वेश्चन चुनाऊँ सब तरह का चीज़ का यूज़ हो रहा है। तो x इक्वल टू साइन थीटा हो गया, देयरफॉर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा। अब लिमिट भी पुट कर लो, इफ़ x इक्वल टू 1/2 देन, यदि x इक्वल टू 1/2 पुट करें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 30 डिग्री। π/6 होगा, ठीक है। और इफ x इक्वल टू 1 देन 1 पुट करो तो थीटा इक्वल टू π/2। ओके, देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, आई टू इक्वल, अब हम चेंज कर दें लिमिट को, तो लोअर लिमिट π/6 टू π/2 और रूट ऑफ 1 - x का वैल्यू साइन थीटा, ये हो गया sin²θ, ये हो गया cos θ dθ, दैट इक्वल ये π/6 टू π/2 cos θ, ये हो जाएगा cos²θ dθ, दैट इक्वल, अब इसको हम लिख सकते हैं π/6 टू π/2 cos²θ को 1 + cos²θ/2। दोनों का एक साथ करते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने पार्ट पार्ट में किया है। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो हम 1/2 को बाहर लिख दिए, थीटा का हो जाएगा थीटा प्लस cos²θ का हो जाएगा sin²θ/2 π/6 टू π/2। देखो एक बार इसको, ठीक है, 1/2 थीटा π/6 है π/2 और 1/2 sin²θ π/6 से π/2। चलो इसका अपन अब वैल्यू पुट अप करें, तो दैट इक्वल 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऐसा हो जाएगा 1/2 थीटा कितना आया है π/6 से π/2 π/6 टू π/2 और प्लस दूसरा पार्ट क्या है 4 हो जाएगा, वैसे जैसे पीछे किए हैं अपन 1/4 और sin²θ π/6 से π/2 दैट इक्वल 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस π/6 प्लस 1/4। अपर लिमिट यहाँ पर रखूँगा तो अपर लिमिट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin π - sin, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा π/3 दैट इक्वल यहाँ पर हो गया 1/2, ठीक है 1/2 π/2 माइनस π/6 LCM लेंगे π/3 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा π/6। सीधा लिख देता हूँ क्या, चलो π/3 लिख दिया अभी, और प्लस sin π तो 0 हो जाता है और हो जाएगा √3/2, मतलब √3/4 1/4 और √3/2 दैट इक्वल, आगे सॉल्व कर लें इसको तो π/6 प्लस ये हो जाएगा √3/8 रिलेशन नंबर 3। देयरफॉर टोटल एरिया अपने को निकालना है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट टोटल एरिया a इक्वल टू 2i1 + 2i2 दैट इक्वल टू 2। अब हम i1 का वैल्यू पुट अप कर देते हैं, देखो क्या लेंदी क्वेश्चन हो गया ये। i1 का π/6 - √3/8
और प्लस टू आई टू का वैल्यू, तो यहाँ सामने है हमारे, ये आई टू का वैल्यू है पाई बाई सिक्स प्लस रूट थ्री बाई एट, पाई बाई सिक्स प्लस रूट थ्री बाई एट दैट इक्वल, अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा पाई बाई थ्री और माइनस रूट थ्री बाई फोर प्लस ये होगा पाई बाई थ्री और प्लस रूट थ्री बाई फोर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री इज इनक्लोज्ड एरिया, कितना आंसर आया भाई, आंसर गड़बड़ हो गया, पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर प्लस, दोनों माइनस है क्या, यहाँ फार्मूला में कुछ गड़बड़ है क्या, पाई बाई थ्री आई वन का वैल्यू क्या है, पाई बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई एट, माइनस रूट थ्री बाई एट है ना, आंसर कैसे गलत आ गया, सेकंड वाले में, सेकंड वाले का वैल्यू भी प्लस, ओ छोटा सा मिस्टेक देखो कैसे परेशान करता है, फिर यहाँ पर ये माइनस आया है और यहाँ पर माइनस करके इसको मैं प्लस लिख डाला, चलो ठीक है, माइनस माइनस ये भी माइनस आएगा भाई, तो ये भी माइनस होगा, अच्छा कैंसिल आउट नहीं होगा, मैं तो खुश हो गया था, कैंसिल आउट होने से बड़ा मज़ा आता है ना, क्यों चलो कोई बात नहीं, ये भी माइनस है, माइनस तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो फिर ये दोनों नहीं, ये प्लस, सॉरी ये प्लस, ये दोनों टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस टू रूट थ्री पाई बाई फोर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, आंसर ये आया है टू पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू पाई बाई थ्री, ये आंसर हो, तो बहुत लेंदी है ये क्वेश्चन, परेशान मत होना, मैं चाहता तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराता, मुझे मालूम है, लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं कि बस मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब, जैसे आप लोग बोलते हो कि ऐप में ये वो, मैं यूट्यूब के चैनल के लिए और आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ आप समझ नहीं सकते, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, और ये क्वेश्चन यूनिक है, आप इसको दो तीन बार देख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया यूनिक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको हर अच्छे राइटर के बुक मिलेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और सर्कल का क्वेश्चन एक बार आप बना लिए, इस क्वेश्चन को आप बना लिए तो सर्कल का हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, एक बार रिपीट करता हूँ ध्यान से सुनना, पहले कठिन नहीं है ये, लेंदी है थोड़ा, कठिन नहीं कह सकते, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, कठिन उनके लिए है जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता, उनके लिए ज़रूर कठिन है, तो पहले हम दोनों को सॉल्व किए, दोनों को सॉल्व करने के फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर पर ही सारा कैलकुलेशन बेस्ड है, ये हमने बताया, इसके बाद हम क्या किए, दोनों का इनक्लोज एरिया निकालना था, तो ये पहला वाला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट, इसके बाद हम लेंदी हो जाएगा करके दोनों को क्या किए अलग अलग पार्ट में, इसको टू इंटू आई वन सपोज कर लिए, टू इंटू आई टू सपोज, ये आई वन का वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं, इस पोर्सन का इंटीग्रेशन, ऐसा इंटीग्रेशन आपको आता है करना, डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले बहुत पढ़ा है, ये पूरा इंटीग्रेशन करते करते हमने यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लिया, आई वन का वैल्यू निकाल लिया, आई वन का वैल्यू निकालने के बाद हम किसका निकालें वैल्यू, आई टू का वैल्यू निकालें, ये इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, ये आई टू का वैल्यू निकालें, बाद में टोटल एरिया निकालना था, तो टू आई वन टू आई टू में वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये इसका आंसर हो गया, ओके, तो ये मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन का आज लास्ट क्लास था, आज के क्लास में मैंने बहुत अच्छे तीन क्वेश्चन का कलेक्शन लिया, लंबा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चारों वीडियो बहुत ध्यान से देखोगे, पहले के दो वीडियो में सिंगल ग्राफ का इनक्लोज एरिया, और तीसरा और चौथा नंबर के वीडियो में आप दो कर्व का, या एक कर्व है कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद, इस चारों वीडियो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन,
निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो इसको आपको ध्यान से करना है। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में एंट्री करेंगे, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो अगला पार्ट मेरा आपको मिलेगा अवकल समीकरण का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलस के पीछे सारे वीडियो को आप रिवाइज करके उस पार्ट को अटेंड करोगे। आप लोग का डिमांड होता है सर आ नहीं रहा है, लेकिन मेरा ये भी सोचना होता है कि पीछे का पूरा तैयार है कि नहीं। तो अगला जो चैप्टर मेरा चलेगा वह है अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण पूरे कैलकुलस का कंक्लूजन है। मतलब पूरा अवकलन समाकलन में जो कुछ भी आपने पढ़ा सबका उसमें उपयोग है। तो पीछे का आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके ओके, थैंक यू।